अगला सवाल देखते हैं इनइक्वालिटी पे। देखो ये सवाल है आपका, इसे मान लो कि सवाल लिखा सामने वाले ने कि आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू का क्यूब एंड x माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इस बार देखो ऑलरेडी हमने फैक्टराइज करके आपको दे दिया, अगर आपको ऑलरेडी फैक्टराइज करके मिल गया तो आप इनइक्वालिटी, चूंकि अगर आप टारगेट क्लास में हो, ट्वेल्थ क्लास में हो, तो इलेवेंथ क्लास में आप पढ़े ही होंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। टारगेट में हो तो भी सीखे होगे, नहीं सीखे होगे तो सीख लो, सीखे होगे तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये आपका हो गया, जो बच्चा जो नहीं सीखा है इनइक्वालिटी उसके लिए है, वो अपना आराम से सीख सकता है इस क्लास में आपका, ताकि आप आगे फर्दर स्ट्रगल ना करना पड़े आपको, इसलिए यहाँ पे सीख लें। यहाँ से इस ब्रेक इससे पहले ऑलरेडी फैक्टराइज है, सारे एक्स आपके पॉजिटिव है, यानी दो दो बातें आपको, पहली बात पता ये था कि पहले फैक्टराइज करना है, सेकेंड बात यह था कि आपको सारे एक्स को पॉजिटिव बनाना है, दोनों है यहाँ पे, तो आप हर ब्रैकेट से आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स माइनस वन बराबर जीरो मतलब एक्स बराबर वन, यहां से एक्स प्लस टू बराबर जीरो यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यहां से x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू थ्री, ये बात आपके सामने आ गई। सबको नंबर लाइन पे सजा लो, नंबर लाइन पे सजाने का मतलब यहाँ पे सबसे छोटा फिर वन फिर थ्री फिर सबसे राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव डालो। फिर आपको बताया गया था कि आप पीछे आते वक्त जिससे भी मुलाकात होगी उसका हाल चाल लोगे आप, आपने मान लो हाल चाल लिया, आपने तीन से पूछा भाई कहाँ से, इसने बोला हम यहाँ से आए हैं, आप जब जैसे इसका एड्रेस आपने लिया, इसके एड्रेस पे आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे ऑड लिखा था, ऑड होते ही ये प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर आपने पीछे आए वन से मुलाकात हुई, आपने पूछा आप कहां से भैया, ये बताएगा हमारा एड्रेस ये है, इसके एड्रेस पे आपने देखा इसकी पावर इवेन थी, तो इवेन का माइनस ही रह जाएगा। फिर आपका आप फिर उसके पीछे आए माइनस टू से पूछा कहां से भैया बताया, ये तीन इसका एड्रेस आपका ये था, इस ब्रैकेट इसका पावर आपका तीन था यानी ऑड था, तो माइनस का प्लस हो गया, लेस देन ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे देखो ऐसे बनाएंगे, ऐसे नीचे वाला नीचे रहेगा। यहां तक क्यों पहुंचा है, क्योंकि इस एक्स के लिए पूरी की वैल्यू जीरो होने वाली है। अब इसको देख के आपसे पूछा हुआ है क्या, लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाला पूछा हुआ है, मतलब हमको निगेटिव वाला चाहिए, तो देखो निगेटिव यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, चूंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो ये सब शामिल हो जाएंगे, इक्वल टू लगा हुआ है तो सब इंक्लूड हो जाएंगे, तो माइनस टू से लेकर थ्री तक सब इंक्लूड हो गए, वन भी इसके बीच में इंक्लूड हो गया, लकीली इस बार अच्छी बात हो गई। ठीक है, अगर अगला सवाल आपके सामने मैं रखू कि ऐसे ना हो कि रेशनल इनइक्वालिटी के बारे में चल रहा हूं, कहां चल रहा हूं मैं, रेशनल इनइक्वालिटी की तरफ चल रहा हूं, जैसे मान लो आपके सामने सवाल आ जाए x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन की पावर फोर फिर x माइनस टू अपॉन अपॉन, अगर आपके सामने ये आ गया कि x 2x प्लस 1 का पावर 3 3x माइनस 4 की पावर 7, मान लो 7 लिखा है और फिर ये लिखा लिख दिया लेस देन r इक्वल टू जीरो। देखो दो मैं एक ही सवाल से दो काम करने वाला हूं, पहले तो ये लेस देन, अगर सिर्फ लेस देन लिखता तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता, लेकिन अगर इक्वल टू लगा है तो कैसे सोचेंगे, ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल टू नहीं लगा होता तब तो हमें किसी भी पॉइंट को इंक्लूड करना ही नहीं होता, पहले हर ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आएगी आपका वन, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आएगी आपका माइनस वन, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आपकी आएगी भाई एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेंगे तो टू, इस ब्रैकेट से आपका एक्स की वैल्यू आएगी आपकी माइनस वन बाय टू, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आएगी आपकी फोर बाय थ्री। ठीक है ना, इतनी बात तो अपने पास आ गई। एक बात ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर से आया है उनको अपन लोग लिखते हैं कि इनका नाम होता है, आपने कभी तो सुना होगा जीरोज, जो न्यूमरेटर से जो निकल के आता है उनको जीरोज बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर से निकल के आता है उसको बोलते हैं पोल। पोल और जीरोज क्यों ऐसा नाम ले रहे हैं, क्योंकि अगर जीरोज और पोल की खासियत यह है कि जीरोज अगर इक्वल टू लगा है तो जीरोज को इंक्लूड करेंगे, अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो जीरोज को इंक्लूड नहीं करना है, अगर इक्वल टू लगा है तो जीरोज को इंक्लूड करेंगे लेकिन पोल को इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वल टू लगा होने के बावजूद भी जो नीचे से आ रहा है जिनको पोल हम बोल रहे हैं उनको अपने अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे इन पॉइंट्स को, जैसे कहने का मतलब यह है माइनस वन बाय टू और फोर बाय थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर आपका इक्वल टू लगा है तो। फिर से एक बार सुन लो क्या कह रहे हैं, इक्वल टू लगा है
तो जो ऊपर से आया है x की वैल्यू इनको इंक्लूड करना है पहली बात। दूसरी बात कि जो नीचे से आया है इक्वल टू लगा है तो भी, नहीं लगा है तो भी, किसी भी समय में नीचे वाली वैल्यू x की अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगी। अब आओ सॉल्यूशन देखते हैं, नंबर लाइन पे सजाते हैं इसको। सबसे आपका कहीं यहाँ पे देखो एक आया है वन, एक आया है माइनस वन, यहाँ कहीं वन लिया, यहाँ कहीं हमने माइनस वन लिया, फिर आपका एक आया है ऊपर से टू, एक आया है टू, ये ऊपर से आया हुआ है तो इन सब पे हम क्लोज लगा देंगे पहले ही कि ये सबको इंक्लूड लगा है, लगा कर लेंगे क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आपका नीचे से आया हुआ है x इक्वल टू माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू मतलब कि इससे इसके बीच में कहीं माइनस वन बाय टू और फोर बाय थ्री का मतलब वन पॉइंट समथिंग, मतलब वो एक से थोड़ा बड़ा, यहाँ कहीं फोर बाय थ्री, ठीक है ना। ये दोनों को कभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पोल है, क्योंकि नीचे से आए हुए हैं। अब सबसे राइट हैंड साइड में प्लस लिख दिया, बहुत बढ़िया। पीछे आए, टू से मुलाकात हुई, एड्रेस पूछा, अपना एड्रेस ब्रैकेट ये बताया, पावर देखा ऑड है, इसकी पावर ऑड है, हमने साइन चेंज कर दिया प्लस का माइनस। फिर पीछे आए फोर बाय थ्री, एड्रेस पूछा, यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड होने से फिर साइन चेंज कर दिया प्लस। आपका फिर पीछे आए, आपने फिर पीछे आए तो अपने को मुलाकात हुई, एक से एक का एड्रेस पूछा, ये देखो एक का एड्रेस ये है, इसकी पावर टू इवन है तो ये प्लस का प्लस। फिर पीछे आए हम देखे तो ये माइनस वन बाय टू था, माइनस वन बाय टू यहां से आया है, इसकी पावर पूछा तीन, ऑड है तो ये प्लस का हो गया माइनस। फिर पीछे है माइनस वन, यानी ये वाली जगह से है, देखो यहाँ पे ये वाली तो यहाँ से माइनस वन पावर इवेन तो माइनस का माइनस रहेगा। और जरा देखो ये आपका ऐसे ऐसे, फिर यहां से क्रॉस करते हुए ऐसे, फिर ऐसे सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पे भी ऐसे, फिर ये ऐसे, ये क्योंकि निगेटिव है, फिर ये ऐसे निकल गया। अब आपको कौन सा चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू वाला चाहिए, मतलब निगेटिव वाला चाहिए। देखो यहां से इसको शामिल करना था माइनस वन को, लेकिन इसको शामिल नहीं करना था, तो सबसे लास्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से जाके माइनस वन बाय टू तक पहुंच गया, माइनस वन बाय टू पे ओपन क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना था। फिर आपका ये देखो फोर बाय थ्री से लेके टू तक अपने पास है यूनियन, फोर बाय थ्री पे ओपन और टू पे क्लोज, क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा, पक्की बात है? नहीं, थोड़ा सा एक चीज छूट गया इसमें। अरे भाई जहां जहां ये लगा है डार्क सर्कल वो सबको इंक्लूड करना है। देखो माइनस वन तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, टू इंक्लूड हो गया है, क्या वन इंक्लूड हुआ है? क्या नहीं हुआ है, उसको अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा यूनियन वन। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आई। अब जाके हम कहेंगे कि ये यूनियन वन, तो आपको एक और सवाल करा के बस हम इस पे इतने ही सवाल लाने देंगे। एक और सवाल कराने का मतलब कि किस टाइप का, हर पैटर्न का एक एक सवाल मैं करा रहा हूं। जैसे क्या है अपने पास सवाल, अगर अगला मैं लिखूं डायरेक्ट फैक्टराइज करके देता हूं, मान लो कभी ऐसे भी मिल सकता है x माइनस वन की पावर फाइव, x टू एक्स प्लस फोर की पावर, टू एक्स प्लस फोर की पावर सेवन सिक्स, थ्री माइनस एक्स की पावर एट, यहाँ थ्री माइनस एक्स की पावर नाइन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नीचे भी कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के बजाय मैं प्लस थ्री कर देता हूं, और आपका या मैं इसको माइनस ही फाइव रन देता हूं क्योंकि अपने को इससे काम अच्छा बनने वाला है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये अपने पास इतने आए हुए हैं। अब पहला काम जो अपने से कहा गया था कि फैक्टराइज करना है, तो पहले देखो ऊपर ये फैक्टराइज्ड है, ये फैक्टराइज्ड है, ये भी फैक्टराइज्ड है, तो अभी वैसे ही रखेंगे, ठीक है, सबको फैक्टराइज्ड फॉर्म में एज इट इज रखेंगे। ये फोर की पावर सिक्स थ्री माइनस एक्स की पावर नाइन अपॉन, अभी नीचे में इसका फैक्टर ये कितना हो जाएगा जरा देखो, तो क्या ये x माइनस फाइव और x प्लस वन ये फैक्टर आएगा क्या इसका, जरा ध्यान देखो तो बच्चों, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स और ये प्लस एक्स फिर माइनस फाइव यानी माइनस फोर एक्स आ गया आपका। यहां से जरा देखो तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री और ये एक्स माइनस वन ये आया क्या यहाँ पे, जरा एक बार चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री सही है, ये आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दो बातें हैं,
एक तो 3 माइनस एक्स जो है उसको पहले आपसे ये कहा गया कि फैक्टराइज करने के बाद सारे x को प्लस करो। देखो ये x प्लस है, ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये x प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, बस एक माइनस है, उसमें से माइनस कॉमन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से एक माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 9 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 की पावर 5, और आपका ये हो जाएगा 2। बाहर कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा x माइनस 3 की पावर 9, क्योंकि जब भी कोई चीज अंदर से बाहर आती है तो वो अपने पावर के साथ आती है। और ये x माइनस 5 ऐसे ही रहने दिया, x प्लस 3 ऐसे ही रहने दिया, x प्लस 1 ऐसे ही रहने दिया, और ये x माइनस 1 भी ऐसे रहने दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आपके सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर इससे इसको काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं, x माइनस 1 से x माइनस 1 को काट सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना विशेष तौर से, पहले तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका लेस देन आर इक्वल टू 0। इस माइनस से मल्टीप्लाई करने से यहाँ हो गया लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा इस माइनस से मल्टीप्लाई करने से। माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई किया इधर आके, तो जब मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो हो गया लेस देन आर इक्वल टू 0, पहली बात। सेकेंड आपका इससे इसको काटूंगा, काटने से पहले जीरोज और पोल को मैं लिख लूंगा, जीरोज और पोल को मैं लिख लूंगा। अभी ये मैं पहले जीरोज और पोल को लिख लेता हूँ, यहाँ ऊपर मैं जीरोज लिख रहा हूँ कि जो ऊपर से आ रहा है, जो नीचे से मैं लिखूंगा पोल जो नीचे से आएगा। जीरोज क्या आएगा यहाँ, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 करने से एक्स इक्वल टू 1 आएगा। फिर क्या आएगा, एक्स टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 करने से एक्स इक्वल टू माइनस 2 आएगा। फिर x इक्वल एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करने से x इज इक्वल टू 3 आएगा। यहां से x इज इक्वल टू 5 आएगा, फिर x इज इक्वल टू 3 आएगा, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, सॉरी यहां पे माइनस 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। फिर आपका x इज इक्वल टू 1 भी आएगा। देखो तो एक बात ध्यान रखना, जीरोज और पोल में अगर कोई सेम क्वांटिटी जीरोज भी आ गई और पोल भी आ गई तो सर उसको कंसीडर किस में करेंगे, जीरोज में कि पोल में, तो कंसीडर हमेशा पोल में किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सवाल तो ये था एक्स की ओरिजिनल वैल्यू लेके यहां पुट करनी है, काटने के बाद थोड़ी पुट करनी है, ओरिजिनली यहां पुट करनी, एक्स इक्वल टू 1 यहां डिनोमिनेटर में जाते ही अनडिफाइंड हो जाएगा, उसी से बचाना है, क्या जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 1 अगर हमने शामिल कर लिया पोल समझ के तो ये नीचे आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे बचाने के लिए हमेशा इन दोनों पे पोल भारी हो जाएगा, यही इफेक्टिव रहेगा, माना जाएगा। बाकी पावर तो कटने के बाद अपन कंसीडर करेंगे। तो ये लेस देन हो चुका है, यहां पे x माइनस 1 की पावर 4 हो गया, फिर यहां पे 2x, ये पावर 6 था बेटा यार छूट गया है, ये हो गया 2x प्लस 4 की पावर 6, फिर ये x माइनस 3 की पावर 9, नीचे में आ गया आपका x माइनस 5, फिर हो गया x प्लस 3, फिर हो गया x प्लस 1। इतनी बातें अपने पास हैं, इतनी बात अपने पास है। अब नंबर लाइन सिस्टम पे लेके चलेंगे, नंबर लाइन सिस्टम पे लेके चलेंगे। आपका ये चीज आपके पास क्या है, एक वैल्यू है कहीं पे 3, एक वैल्यू है कहीं पे 3, ठीक है ना। इसके बाद एक वैल्यू है आपको कहीं पे 3 के बाद कहीं 5 भी है, तो सबसे बड़ा 5 है तो मैं 5 लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे 5 है, फिर आपका है उससे छोटा 3 है, मैंने 3 ले लिया, 5 के बाद 3, उसके बाद 1 है, देखो इसके बाद 1 है यहाँ पे ए 1। अच्छा 3 जो है आपका पोल है, जीरोज है, 5 आपका पोल है, 1 आपका पोल है, जो पोल है उस पर मैं हॉलो सर्कल लगाते जा रहा हूं। फिर आपका इसके बाद 1 से छोटा आपकी वैल्यू आ गई कहीं पे, मान लो कि माइनस 1 दे रखा है, फिर आपका माइनस 2 है कहीं, फिर आपका कहीं माइनस 3 भी है, मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं अपने को, कहीं पे आपका माइनस 3 भी है तो माइनस 3 भी लिखना पड़ेगा, तो यहां कहीं आपका हो गया माइनस 3, ठीक है। इतने हैं, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ गए। सबसे राइट साइड में पॉजिटिव, फिर 5 की, अच्छा उससे पहले वो पोल जीरोज वाला बात देख लें, 3 आपका पोल था, आपका माइनस 2 भी जीरोज है, 3 भी जीरोज है,
माइनस वन आपका क्या है, माइनस वन पोल है, माइनस तीन क्या है, पोल है, चार नंबर तो पोल हो गई, एक दो तीन चार पोल हो गई, एक दो तीन चार पोल हो गई, ठीक है। और जरा देखो, फाइव से मुलाकात हुई, फाइव का डिग्री पूछा, फाइव कहाँ पे है, ये ऑड है, माइनस हो गया। तीन का डिग्री पूछा, तीन ऊपर से आया है, यहां से आया है, यहां से ध्यान रखना, माइनस तीन यहां से आया है, तो इसकी डिग्री ऑड है, ये भी आपका कितना हो गया, माइनस का प्लस हो गया। वन का डिग्री कितना हो गया, वन कहां से आया, यहां से, वन की डिग्री इवन है, प्लस का प्लस रहा। फिर माइनस वन कहां से आया, यहां से, डिग्री ऑड है, माइनस। फिर माइनस टू कहां से आया है, यहां से, डिग्री इवन, माइनस, माइनस। फिर आपका माइनस तीन यहां से है, डिग्री ऑड, तो आपका ये प्लस। अब आपने देखो, ये आपका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये चला गया। लेस देन वाला चाहिए, x बिलोंग टू क्या, लेस देन वाला कहां से कहां तक होगा, अब जरा पहले सोच के देखो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाला चाहिए तो निगेटिव, देखो माइनस तीन से लेके माइनस वन तक इकट्ठे लिख दूंगा, दोनों को छोड़कर माइनस तीन से लेके माइनस वन तक इकट्ठे लिख दूंगा, इनके बीच में माइनस टू इंक्लूड करना भी था, हो भी गया। फिर अगला तीन से लेकर पांच तक यूनियन, तीन से लेकर पांच तक, जिसमें से कि तीन को इंक्लूड करना था, पांच को एक्सक्लूड करना था, और कुल मिलाकर दो ही पॉइंट को इंक्लूड करना था, वो दोनों पॉइंट यहां पे इंक्लूड भी हो गए। बोलो बात समझ में आई, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आपका ये होता है इनइक्वालिटी। हर तरह के मैंने इनइक्वालिटी में जितने बेसिक हो सकते हैं हर तरह के मैंने सवाल करा दिया। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा हिस्ट्री को अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं और इनइक्वालिटी के बाद और क्या आपको बेसिक में पढ़ना चाहिए जो कि जरूरी बात हो। देखो आगे अगर हम कहें आपसे, ये इनइक्वालिटी का बेसिक है, ये क्लास मतलब इलेवेंथ में इस पर खूब प्रैक्टिस करते हैं, अभी जो है कि सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रखा हूं ताकि ये चीज आपको रिकवर हो जाए, रिवाइज हो जाए, बस आपको रिवाइज ही करा रहा हूं। हो सकता है कि शुरू के एक लेक्चर डेढ़ लेक्चर तक बस आपको रिवाइज में कराऊंगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे कुछ एक पॉइंट पूछा, जैसे मान लो कि मैंने कोई पॉइंट्स करके बोला, देखो पहला पॉइंट मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछता है कोई कि x की पावर 10 और x की पावर 4 में बड़ा कौन, अगर आपसे ये पूछे कि इन दोनों में बड़ा कौन, तो आपका पहली नजर में जवाब होगा कि सर x की पावर 10 बड़ा, ठीक है सर, x की पावर 10 बड़ा या ग्रेटर देन आर इक्वल टू। पर ये क्या जवाब ये सही होगा हर समय के लिए, तो ये बात है नहीं, इसका जवाब है नहीं, हर समय के लिए सही जवाब नहीं है, ये सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि भाई ये x की वैल्यू क्या है, ये तब सही है अगर आगे ये चिपका दे कि x डज नॉट बिलोंग माइनस वन से वन, माइनस वन से वन में बिलोंग ना करे, अगर माइनस वन से वन में बिलोंग कर जाएगा तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, क्योंकि अगर एक से छोटी नंबर का पावर आप जितना बढ़ाते हो उतना छोटा होता जाता है, ठीक है। तो अगर यही तब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टेन आपका एक्स की पावर टेन लेस देन आर इक्वल टू एक्स की पावर फोर हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू आपका माइनस वन से वन के बीच में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, उस केस में ये वाली इनइक्वालिटी इसका होल्ड कर जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या, तो ये डिपेंड करता है कि क्या, अगर इसी पे मैं एक सवाल की बात करूं, ऐसे मान लो लिखा है कि प्रूव फाइंड एक्स इफ कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2 वेयर x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर रहेगा तो आपको फाइंड करना है। एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी है इसके पीछे, पहले तो यही बात है आपके सामने, देखो इसी के ऊपर है, 0 से पाई बाय 2 में हम जानते हैं कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू, देखो साइन की वैल्यू भी साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, कि कब, जब एक्स इसके बीच में रहेगा तो, और आपके कॉस की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब 0 से 1 के बीच में है ये दोनों, और इनका ये स्क्वायर करने पे कह रहा है कि अगर 1 हो जाए तो आपको ये बताना है कि इस समय x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोनों इवन नंबर, इवन डिग्री है, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो ऐसी क्या वैल्यू आएगी ताकि ये दोनों मिलके 1 दे दे। तो देखो एक चीज हम इसको हम अपना सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक सवाल आप ऐसे ऐसे टूल अपना रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई cos की पावर 6x लेस देन cos स्क्वायर x,
अगर x इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2 है, बोलो सही है क्या? अगर ये पावर बढ़ी तो अपने ये वैल्यू इसके इससे ये वाला जितना पावर बढ़ेगा उतना छोटे पावर से छोटा होता चला जाएगा। ऐसे ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन की पावर 4x लेस देन आर इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर x। बोलो कोई दिक्कत भाई? जब अगर x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, एक छोटा सवाल है एकदम नहीं देखने के लिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा भाई? कॉस की पावर 6x, जोड़ने का ख्याल क्यों आया मन में? बोलो जोड़ने का ख्याल क्यों आया मन में? ये x प्लस साइन स्क्वायर x क्यों जोड़ने का ख्याल आया? किस लिए आया? क्योंकि जरा देखो यहाँ पे क्योंकि ऐड किया गया है तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, जोड़ने से फायदा क्या है सर? आप स्क्वायर ही लेके क्यों जोड़े थे? कोई और लेके क्यों नहीं जोड़े थे? आप स्क्वायर ही लेके क्यों जोड़े थे? क्योंकि हम फार्मूला जान रहे थे इसका, दोनों का सम का वैल्यू होता है 1। अगर ये यहाँ पे 1 है, लेस देन आर इक्वल टू है, अगर यहाँ पे इक्वेलिटी होल्ड कर रही है, दिस मीन्स इक्वेलिटी होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि ये आपका यहाँ ऊपर इक्वलिटी होल्ड करी है, मतलब ये इन दोनों जगह भी इक्वलिटी होल्ड करी होगी। दिस मीन्स क्या यहाँ पे भी इक्वलिटी होल्ड करी होगी? क्या कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी रहा होगा एंड ये साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स रहा होगा। यहाँ से x की वैल्यू इजिली निकाल लो, देखो क्या वैल्यू आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका ये तरीका है किस चीज के लिए यूज करने के लिए, ये इसका इस वाले फंडा का मतलब। ये फंडा बस ये है कि आपको याद दिलाता है कि क्यों हम ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब ऐसी जगह है जहां पे छोटी छोटी बातें ही आपको अपने सवाल के सोल्यूशन के तक लेके जाएगी। कोई ऐसा बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बहुत बड़ा नियम नहीं आने वाला है। जरा आगे आते हैं, अगले अगर बात हम बोले तो अगली बात आपके सामने अगर कोई भी, जैसे मैं अगली बात आपसे कहूं तो दुनिया के कोई भी नंबर सेकेंड नंबर की मैं बात करता हूं, दुनिया के कोई भी नंबर, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों का कॉमन वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन वैल्यू। तो आपका दुनिया का कोई भी वैल्यू जो होगी, दुनिया का कोई भी इस परफेक्ट, अच्छा चलो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है? परफेक्ट स्क्वायर, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, कैसे क्या ले लो, 1, 4, 9, 16, 25, 36 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो। इसके बारे में अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं ये या तो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो गया, ये हो गया यहां पे 36 हो गया पूरी तरह से 3 से डिविजिबल, या तो आपका या फिर यहां क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा। देख लो कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके देख लो, कि मतलब ये अगर चेक करना हो, बस ये चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप क्या करो 3 से उसको डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर पूरी तरह से डिवाइड हो गया या रिमाइंडर 1 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस है। जरूरी नहीं है कि वो होगा लेकिन होने के चांसेस है। कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इस टर्म में लिख सकते हैं, या फिर क्या और लेके लिख सकते हैं, 4 से डिविजिबल है, देखो ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये दिख रहा है, या रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। देखो 1 यहां भी, 1 यहां भी, 1 और भी कोई सी नंबर ले लो तो आपका रिमाइंडर से 49 ले लो, रिमाइंडर 1 आएगा। आ रही बात समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में छोटी सी जानकारी है हमने लिख दिया, ठीक है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, बस वही ये चीजों को याद कर रहे हैं, क्लास 11th की चीजों को याद कर रहे हैं। नंबर सिस्टम तीसरे नंबर पे, पहला नंबर सिस्टम को अगर हम बताएं, इसमें होल नंबर क्या होता है भाई, बस यहां पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3 है जो नंबर, ये होल नंबर कहलाता है। दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब जैसे कहा जाता है काउंटिंग नंबर है, दिस इज अकाउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे जो जाएगा वो काउंटिंग नंबर हो जाएगा। तीसरा नेचुरल के बाद एक इंटीजर होता है, पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं। इंटीजर्स 3 तरह की होती है, 0, ±1, ±2, ±3, ±4 ये 3 तरह की होती है। एक I0 का मतलब 0 इंटीजर, इसका नाम है 0 इंटीजर, इसमें इसकी वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 0, एक ही होता है। फिर एक होता है I प्लस का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा, मतलब सेम एज नेचुरल नंबर।
फिर एक होता है आई माइनस, ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि बोल्ड आई है तो आई माइनस ये हो जाए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इनको की नाम है निगेटिव इंटीजर्स, कुछ ऐसे और नहीं कह सकते। अगर मान लो यहीं पे अगर किसी ने आपसे कहा चौथे नंबर पे किसी ने बोला नॉन निगेटिव इंटीजर, बहुत वर्ड यूज होगा ये नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव के नाम पे सबसे पहले दौड़ के कौन आएगा, जीरो, कि भाई हम तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव तो ये है तो निगेटिव नहीं है। उसके बाद एक दो तीन ऐसे जो वर्ड आएगा नॉन पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे ही जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। फिर आपका एक आएगा रेशनल नंबर Q से डिनोट करते हैं, कहा तो ये जाता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, कहा तो ये जाता है कि जो P बाई Q के फॉर्म में डिनोट किया सकते हैं, जहां पे P और Q को प्राइम नंबर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो तो उनको रेशनल नंबर कहते हैं। पर हम एक और बात कहते हैं जिससे जो P बाई Q के फॉर्म में डिनोट करे Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, देख लो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूं, और P और Q दोनों इंटीजर को बिलोंग करता हो, ठीक है ना, जीरो को छोड़ के इंटीजर को बिलोंग करता है, या नंबर डिवाइड करने पे नंबर आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेट्स या तो नंबर रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए, क्या कि जैसे कि मान लो ये 1/2 रेशनल नंबर है, ये आपका 0.5 टर्मिनेट हो गया, 1/3 रेशनल नंबर है 0.33333 रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो या तो वो नंबर खत्म हो जाए किसी सर्टेन डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल, नंबर आफ्टर डेसिमल इसको लिख लेते हैं आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद या तो रिपीट करे या टर्मिनेट करे, तो ये आपका रेशनल नंबर कहा था। तो छठे नंबर पे इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू डैश से या क्यू सी से। इसका क्या होता है कि जो नाइदर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, जो हमसे इलेवेंथ में पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वहां पे तो दोबारा मैं सब पढ़ाया हुआ, अभी भी इलेवेंथ का रिवाइज करवा रहा हूं फंक्शन में आने से पहले, ताकि डोमेन और रेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, और इनइक्वलिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन रेंज के लिए, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी ही जिम्मेदार है सबसे ज्यादा कि आपको 19 से आप वैल्यू निकाल पाएंगे। नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, जैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं एन आर एन टी, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो पाई है, पाई को 3.14587 ऐसे कुछ होता है, एक और एग्जाम्पल ले लो ई 2.718 ऐसे कुछ, तो ये एग्जैक्ट नहीं इसके बराबर होता है, ये आपका लगभग लगभग बराबर होता है, ध्यान रखना आईआईटी के एग्जाम में यही दुखती नस को पकड़ लेता है, दुखती रख को पकड़ता है, क्या वो दे देगा आपका आंसर आ रहा होगा पाई भी और आंसर आ रहा होगा 22/7 भी, और जनरली हम पाई को 22/7 यूज करते हैं तो आपको लगता है कि अरे पाई आंसर आया तो 22/7 भी होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्ट बराबर नहीं है, क्या है वो लगभग लगभग उसके बराबर है, बात समझ आ रही, तो हम उसको नहीं ले सकते। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, और भी जैसे मान लो और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, टू रूट फाइव हो गया, ऐसे कुछ भी, तो इस तरह के एग्जाम्पल से सबके सब आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। यहां से पहुंचने के बाद रियल नंबर क्या हो जाएगा, फिर अगर यहां तक हम पढ़ लिए तो अब इसके बाद हमको जानना चाहिए फटाफट रियल नंबर क्या होगा। सातवें नंबर पे रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर अगर कहें हम
तो वो नंबर्स जो एक्स एक्सिस पे डिनोट की जा सकती है, वो सारी नंबर्स जो एक्स एक्सिस पे डिनोट की जा सकती है वो रियल नंबर कहलाती है। और ये क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। अगर हम इनका हायरार्की ऑर्डर देखें तो हायरार्की ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी इसको सी से डिनोट करते हैं, कई बार इसको आजकल आईआईटी में जेड से भी डिनोट करने लगा है, तो जेड कट से डिनोट करते हैं। फिर इससे के बाद इसका सबसेट होता है रियल नंबर। फिर रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फर्दर कुछ पार्ट है, क्या क्या पार्ट है, या तो इंटीजर होगा, या तो आपका इंटीग्रेशनल नंबर के पार्ट या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा, या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा, मतलब क्यू यानी नॉन इंटीजर होगा। रेशनल नंबर में ही या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा। और इंटीजर वाले पार्ट में फर्दर आपका कुछ पोर्शन फिर बढ़ जाता है, क्या क्या, कि ये तीन तरह से बढ़ जाता है, या तो आई जीरो मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो, या तो आई प्लस मतलब आपका ये आपका इसको कि नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ये नेचुरल नंबर भी होता है, ये आपका है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, या फिर आपका आई माइनस मतलब आपका क्या -1 -2 -3 ये जाते जाते, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे तो ये बन जाता है होल नंबर। ये आपका इसका हायरार्की ऑर्डर चलता है कि रियल नंबर में दो पार्ट रेशनल या इरेशनल, रेशनल नंबर में दो पार्ट इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा, इंटीजर वाले में आपका ये तीन पार्ट, उसमें से नेचुरल आई प्लस को नेचुरल बोलते हैं, आई माइनस को कोई नाम नहीं है ऐसा, इन दोनों को मिला लिया जाए साथ में तो होल नंबर हो जाती है, यानी ये हो जाता है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या पूर्ण हुई। ये आपका होता है नंबर सिस्टम। जरा और इसके ऊपर बात करते हैं, एक चीज छूट गई अभी, अगर मैं कहूं तो एक चीज छूट गई प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में कुछ चीजें हमसे छूट गई, जरा फटाफट उसको भी कर लेते हैं। देखो अगर पढ़ रहे हैं तो सारे नंबर्स को थोड़ा फटाफट पढ़ ही लेते हैं, फिर अपन लोग देखेंगे। सातवें के बाद आठवें नंबर पे प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ऐसी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हो, ऐसी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो वन होगा या तो वो इटसेल्फ होगा। क्या कि नंबर ओनली हैविंग ओनली टू फैक्टर, हैविंग ओनली टू फैक्टर। तो सर टू से ज्यादा फैक्टर वाले को क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे टू फैक्टर, जैसे मान लो यहां पे पहले वन को छोड़ देते हैं, टू फैक्टर में क्या क्या होता है, ये टू फैक्टर में आपको लिखना जानना चाहिए बात कि या तो एक वन, वन इज वन एंड अदर इज दूसरा वाला, अदर इज इटसेल्फ। ये आपको जानना चाहिए कि क्या क्या होता है आपका यहाँ पे। तो ये सर अगर दो से ज्यादा फैक्टर होगा तो नाम क्या होगा, कंपोजिट नंबर। आगे लिखेंगे, लिख सकते हैं उसको। जैसे मान लो कि पहला जो है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है, फिर तीन होता है, फिर पांच होता है, फिर सात होता है, फिर आपका 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23, फिर 27, 29, फिर 31, फिर ऐसे जाता है, आगे तक जाएगा, जाएगा बहुत दूर तक जाएगा अपना। ये कैसे कोई नंबर प्राइम है ये पहचाने कैसे, कोई भी नंबर प्राइम है इसको पहचाने कैसे, कैसे पहचानेंगे, तो देखो 6 से डिवाइड करो। प्राइम नंबर कोई भी होगी, कोई भी होगी, अगर प्राइम नंबर होगी ना, जैसे आप कोई भी दुनिया के नंबर ले लो, अगर वो प्राइम नंबर हुई तो या तो वो 6 से कट जाएगी, या तो उसका देखो प्राइम नंबर अगर रही हो तो देखो वो आपका 6 से हम डिवाइड करेंगे तो वो तो या तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर उसका 5 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 5 बचेगा। कोई किसी में भी डिवाइड करके देख लो, आपके मन में आएगा कि सर अगर हम 35 को ले तो सर 35 में रिमाइंडर 5 बच रहा है, लेकिन वो अपना कंपोजिट, वो आपका कंपोजिट नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है। पर अगर ये अगर ऐसा हो रहा है तो एक चांस बनेगा कि वो आपका एक प्राइम नंबर है। श्योर नहीं हम कह सकते कि प्राइम नंबर है ही, लेकिन तब एक चांस बनता है कि प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है कि अगर वो आपका, अच्छा 35 टाइप के नंबर तो अपने आप दिख भी जाएंगे,
35 टाइप के नंबर अपने आप दिख जाएंगे कि ये आपका कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आपका वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो या तो इस चांस बन जाता है कि 1 से आप 6 से डिवाइड करो तो 1 या 5 रिमाइंडर बच रहा हो। इससे इसके 8वें के बाद 9th नंबर पे है कोप्राइम। भाई गांठ मत बांध लेना कि जहां पे रिमाइंडर 1 आया रिमाइंडर 5 आया तो प्राइम नंबर होगा ही होगा, ऐसा श्योर नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर 1 और 5 आएगा तो चांसेस बढ़ गए कि हाँ प्राइम नंबर होने का चेक करने का तरीका हमारे पास, हम उसको फर्दर कुछ चेक कर सकते हैं। दूसरा एक और होता है तरीका, जैसे मान लो किसी भी नंबर का उसका स्क्वायर रूट लो। जैसे मान लो कि आपके पास मिल गया, मान लो कि मैंने कहा कि 229, ठीक है, इसको आपको प्राइम नंबर है कि नहीं इसको अगर चेक करना हो तो आप इसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर 229 का स्क्वायर रूट लगभग 15 पॉइंट समथिंग होगा, 15.2 के आसपास है, 15.14 के आसपास होगा। तो इससे कम नंबर्स का, इससे कम जितने प्राइम नंबर है जैसे 2 है 3 है 4 5 है 7 है 11 है 13 है, इससे डिवाइड करके एक बार चेक कर लो। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि 6 से डिवाइड करके देखो कि कितना एलसीएम दे रहा है, कितना ये कितना रिमाइंडर दे रहा है। जैसे 6 से डिवाइड किया तो यहां पे आया आपका 3, 2 और 9, आपका कितना आया, ये आया 3, आपका मतलब 3 18 टाइम गया, फिर आपके पास आया 4 और 9, 4 1 रिमाइंडर आया, मतलब चांस है पूरा होने का। अब 2 से डिवाइड करो नहीं जाएगा, फिर आप 3 से डिवाइड करो 9 2 11 2 13 नहीं जाएगा, 5 से तो जा नहीं सकता, 7 से आप डिवाइड करके देख लो 19 नहीं जाएगा, 11 से डिवाइड करके देखो नहीं जाएगा, 13 से डिवाइड करके देखो 13 और आपका हो जाएगा 7 2 9 99 नहीं जाएगा। यानी ये किसी से इससे भी नहीं गया, 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 इससे नहीं गया, हमारे पास ये होने के पूरा चांसेस है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। दूसरा तरीका एकदम एग्जैक्ट प्राइम नंबर हुआ कि नहीं ये करने का, ये तरीका हुआ। इसके बाद आते हैं को प्राइम पे, तो कोई भी दो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, को प्राइम या इसका नाम होता है रिलेटिव प्राइम, दोनों ही नाम आता है, ठीक है ना। तो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, जैसे कोई भी अगर लेट मतलब किसी भी दो प्राइम नंबर के बीच का यानी एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम प्राइम नंबर इज, अगर दो प्राइम एलसीएम के बजाय एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ दो प्राइम नंबर का एचसीएफ इज 1 हो जाए तो को प्राइम कहलाएंगे, मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, कोई भी को प्राइम नहीं, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर का अगर हमको एचसीएफ लेते हैं और वो 1 आ जाता है, एचसीएफ ऑफ कोई भी दो नंबर अगर 1 आ जाता है तो कहेगा ए एंड बी को प्राइम नंबर, ये दोनों आपकी को प्राइम कहलाएंगे। इसमें एक देखो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होती हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, जैसे 4 5 4 5 के बीच का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, 5 6 8 9 12 13 कुछ भी इसका बीच का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, ठीक है। अच्छा एक और आपके सामने नाम आएगा जिसका नाम होगा ट्विन प्राइम, आपके सामने ये आईआईटी में भी सवाल पूछ लेता है कि ट्विन दो प्राइम, मतलब ये नहीं पूछता है कि ट्विन प्राइम क्या होती है, लेकिन ये वर्ड आता है टू प्राइम के, ए और बी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, मतलब एचसीएफ ऑफ नहीं डिफरेंस बिटवीन, ये होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर, इस बार मैंने फिक्स कर दिया प्राइम नंबर, पिछले वाले में से प्राइम नंबर मैंने हटा दिया था क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच का एचसीएफ अगर 1 आता है तो रिलेटिव प्राइम हो जाएगा, लेकिन अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा तो वो कहलाएंगे ट्वीन, ट्वीन मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब जिनमें डिफरेंस बहुत कम हो, और सबसे कम डिफरेंस वाली चीज को यानी समानता ज्यादा हो डिफरेंस कम हो, डिफरेंस कम वाले नंबर्स को हम बोलेंगे ट्वीन प्राइम, जैसे जैसे 3 5 7 5 7 11 13 17 19 ये सब नंबर। अच्छा एक आ जाते हैं आखिरी में पढ़ लेते हैं, 9 के बाद 10 के बाद 11 कंपोजिट नंबर क्या होती है, बाकी अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको आगे जरूरत पड़ेगी तो पढ़ते जाएंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होती है, तो हैविंग मोर देन टू फैक्टर,
हैविंग मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जैसे चार, चार के फैक्टर क्या है, एक दो है, एक एक है, एक एक है, एक दो है, एक चार है, तीन फैक्टर हो गए। जैसे सिक्स, एक एक दो तीन छह, यानी कुल मिला के आपके चार फैक्टर हो गए। ऐसे आपके सामने कोई नाइन कह दे तो वन एक फैक्टर, तीन एक फैक्टर, नाइन तीन फैक्टर, तो टोटल तीन फैक्टर आपके हो रहे हैं, तो इसलिए ये सब नंबर कंपोजिट कहलाते हैं। तो ये आपके थोड़ा सा नंबर सिस्टम और बेसिक अभी हम पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा अभी और बेसिक पढ़ना है इसमें, और बेसिक क्या पढ़ेंगे अभी, लॉगरिथमिक के बारे में। थोड़ा लॉग के बारे में बेसिक पढ़ने के बाद तब हम चलेंगे आपको ले चलेंगे डोमेन की तरफ, जो कि जिसके लिए चैप्टर हमने शुरू किया है उस चैप्टर की तरफ तब बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा आप लॉग के बारे में पढ़ते हैं।